हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे धोबी घाट कॉम्पोजिशन का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम इसमें कलर करना शुरू करेंगे और आप देख रहे हैं कि मैंने कलरिंग स्टार्ट भी की है। सबसे पहले हम इंडियन येलो, कोबाल्ट ब्लू और फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन इन सब कलरों को फ्लो करा लेंगे अपने जगह के अनुसार। बैकग्राउंड में येलो कलर, पानी में फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन और कोबाल्ट ब्लू इन सब कलरों को फ्लो किया हुआ है। और हल्के हल्के हमने इंडियन येलो को भी आदमियों के जो शरीर हैं उस पर हमने फ्लो किया हुआ है, जो हमारे फिगर हैं। और अब हम ऑरेंज और बर्नसाइना इन सब कलरों को ज़मीन में फ्लो कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टोन है। हमें अपने जगह के अनुसार कलरों को अप्लाई करना चाहिए फर्स्ट टोन में, जिससे कि सब एक कलर एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्का हल्का मैंने यहाँ पे सैप ग्रीन को मिक्स किया हुआ है, घास वगैरह होते हैं जो ज़मीनों में। और बैकग्राउंड के जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी मैंने सैप ग्रीन के फर्स्ट टोन रखे हैं, और कहीं के मैंने उसमें वेरिडिन ग्रीन को मिक्स किया हुआ है सेकंड टोन पे, आप देख सकते हैं। और हल्के हल्के मैंने ब्रश के जो पीछे वाले पार्ट है लकड़ी के, उससे मैंने लाइनिंग भी कर दी है, जिससे वो पेड़ की टहनियाँ वगैरह लगने लगे। छोटे छोटे टेक्निक्स हैं हमें जल्दी से टहनियों को थोड़ा डिटेल करने के लिए जो बैकग्राउंड में होते हैं। अब थोड़े टेक्सचर्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ज़मीन में आप देखते हैं ज़्यादातर ये ऐसे चेक्स वगैरह होते हैं, दरारें। अब मैं हल्का हल्का इंडियन येलो के साथ सैप ग्रीन को मिक्स करके बैकग्राउंड में थोड़ा सा और ज़मीन के इफ़ेक्ट्स को देने के लिए मैं वहाँ पर कलर फ्लो कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको कलर को और बढ़ाएंगे। और कहीं के मैंने बर्नसाइना को टचअप भी रखे हुए हैं, जिससे थोड़े से ब्राउनिश जो कलर है वो भी मिल जाए ज़मीन में। बैकग्राउंड में हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस हल्के फुल्के ये सब कलर को फ्लो करके एक रिलेशन बना लेंगे अपने सब्जेक्ट से बैकग्राउंड में। अब जो हमारे पीछे के जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें मैं कलर फिल कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े के लिए जो साड़ी उसकी बनाई है, मैंने ऑरेंज कलर को यूज़ किया है। और जो आदमी है उसके शर्ट के लिए मैंने यहाँ पे वर्डन ग्रीन के लाइट कलर को यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हम और कलर को भी फिल करते जाएंगे। और जो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है उस पर, उसने हाथ में जो कपड़ा लिया हुआ है उस पर मैं ऑरेंज कलर फिल कर रहा हूँ। थोड़े से वाइट स्पेस भी मैंने कहीं कहीं छोड़े हुए हैं जो लाइट का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, क्योंकि जो वाटर कलर है वो लाइट इफेक्ट्स के लिए ही जाना जाता है अपने, और उसके लिए हमें वाइट वहाँ पर छोड़ना होता है पेज पर। आप देख सकते हैं कि मैंने जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारी मेन जो धोबन है, उसके लिए मैंने यहाँ पर इंडियन येलो के कलर को यूज़ किया हुआ है उसके धोती के लिए। और उसके कहीं कहीं हमने वाइट भी छोड़े हुए हैं हाईलाइट के लिए। ब्लाउज़ के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया हुआ है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये कलर हारमोनी पे ही डिपेंड करती है, तो हमें कलर हारमोनी को भी ध्यान में रखना चाहिए अपने कॉम्पोजिशन में। ये सब चीज़ें कॉम्पोजिशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग और सुंदर बनाते हैं। आदमी के शरीर के लिए मैंने यहाँ पे बर्नसाइना को यूज़ किया हुआ है सेकंड टोन में, क्योंकि फर्स्ट टोन में हमने इंडियन येलो के टोन एक हल्के लगाए हुए थे उसके शरीर पे। कहीं कहीं क्रिम्सन लेक के हल्के टच भी कर देंगे चेहरे पे। सेकंड टोन में मैंने ब्रनसाइना को ही यूज़ किया है,
कोई भी दूसरे कलर के मिक्सचर मैंने यूज़ नहीं किया अभी सेकंड टोन के लिए। पीछे जो हमारी कैरेक्टर लेडी कैरेक्टर उस पर भी मैंने सेम वही अपना कलर यूज़ किया ब्रंट साइना का लाइट टोन। और ये जो पाटा वगैरह लिए होती हैं धोबन कपड़े को पीट पीट के धोने के लिए, ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं कंपोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमें वो कंपोजिशन कितना अच्छा और सुंदर ऑब्जर्वेशन आपका वो दिखता है वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। थोड़े सेकेंड टोन हम अब धोबन पर भी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी मैंने ऑरेंज प्लस बनसाइना का मिक्सचर यूज़ किया है। हल्के हल्के टोन हम अपने मेन कैरेक्टर जो मेल कैरेक्टर है उस पर हम कर रहे हैं, फ्रंट साइना का ही टोन यूज़ कर रहे हैं अभी भी। आप देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो डिटेल करना है वो पतले ब्रश को यूज़ करना चाहिए और वो अच्छे से डिटेल हो सके। हमारा सेकंड टोन है, आप देख सकते हैं इसे क्या हो रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 3D लुक एकदम उसका आ जाएगा, वो लाइट इफेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे उसके। तो इन सब चीज़ों को करते रहना चाहिए और ज़्यादातर करके हमें वेरिएशंस ऑफ टोन ही यूज़ करना चाहिए, हम हर बार कलर को चेंज करके ना यूज़ करें। उसी कलर को अगर हम लेयर बाई लेयर लगाएंगे तो वो अपने आप एक नया टोन क्रिएट कर देगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, थोड़ा सा डिटेल भी करेंगे अपने लेडी कैरेक्टर पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हमें भी अच्छा लगेगा अपने कंटेंट को और बनाने के लिए। थोड़ा डिटेल में और भी करता जा रहा हूँ फेस पे, आप देख सकते हैं ये कलर के वेरिएशन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और हर सभी जगह मैं टोन नहीं लगा रहा हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, जहाँ डार्क टोन की ज़रूरत है, सिर्फ हम उन्हीं जगहों को टोन अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपोजिशन में टोन बाय टोन ही हमको चलना चाहिए। अगर हम जल्दी से डार्क या लाइट में करके उसको कंप्लीट कर देंगे तो वो उतना इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। टोन से ही आपके उस कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थोड़े टेक्सचर्स और भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके धोती पे और जो उसके हाथ में कपड़ा उस पर भी मैं थोड़ा डार्क टोन और बढ़ा रहा हूँ। पीछे के कैरेक्टरों में भी हल्का हल्का कहीं कहीं डार्क टोन अप्लाई करेंगे। अब हमारे जो मेन कैरेक्टर है लेडी कैरेक्टर उस पर फिर मैं इंडियन येलो के ही टोन अप्लाई कर रहा हूँ डार्क टोन में और हल्का हल्का उसको कहीं कहीं हम डार्क करेंगे लाइट इफेक्ट को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जो धोती वगैरह होती है लेडीज़ की उस पर फोल्ड पड़े होते हैं जब वो बैठती हैं। बाल के लिए मैं यहाँ पे ब्रंट साइना प्लस फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हल्का सा ब्लूइश टिंट होता है बाल में जब लाइट इफेक्ट पड़ता है।
अब मैं यहाँ पे ब्रंटसाइना का टच कर रहा हूँ उसकी धोती पे। ब्रंटसाइना कलर वो मोस्टली यूज़ होता है हमारे कंपोजिशन में, ये हर कलर में उसके डिटेलिंग में यूज़ हो जाता है, तो हमें इन सब कलरों को थोड़ा जो हमारे कॉमन कलर हैं जो कंपोजिशन में मोस्टली यूज़ होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब ऑरेंज कलर का टोन मैं बढ़ा रहा हूँ उसके ब्लाउज पे, आप देख सकते हैं। और जो उसके गठरी वगैरह होते हैं जो धोबी गठरी में बांध के कपड़ों को ले जाते हैं, उसको मैं यहाँ पे फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन कलर यूज़ कर रहा हूँ उसके कलर के लिए। थोड़ा जो पानी के अंदर पत्थर वगैरह होते हैं उनसे हल्का कलर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और जो कपड़ा वो धुल रही है उस कपड़े का कलर हमारा क्रिम्सन लेक है, मैंने उस कलर को यूज़ किया वहाँ पे। साबुन वगैरह को भी बना लेंगे पास में थोड़ा, ये सब कंपोजिशन को थोड़ा अच्छा और प्रेजेंटेबल बनाते हैं, ये सब एलिमेंट हैं कंपोजिशन के लिए। डार्क टोन के लिए मैं यहाँ पे स्कारलेट प्लस ब्लैक कलर को यूज़ कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं कि जो एकदम डार्क एरियाज है उसमें मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में बढ़ाता जाऊंगा अपने कपड़ों पे। आप देख सकते हैं कि जितना हम डिटेल कलर को फिल करेंगे वो उतना ही कंपोजिशन अच्छे से निकल के बाहर आएगा और उतना ही वो प्रेजेंटेबल लगेगा। अब मैं टोन थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा। डिटेल के लिए ब्रंटसाइना प्लस ब्लैक कलर को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आउटलाइनिंग भी हल्का हल्का कहीं कहीं जो यहाँ पे जो डार्क एरियाज हैं उस पर करेंगे, लाइट एरियाज पे हम आउटलाइन नहीं करेंगे। जब देख सकते हैं धीरे धीरे कंपोजिशन हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग पैटर्न वगैरह भी क्रिएट करेंगे साड़ी पे, जो ज़्यादातर करके लोग पहनती हैं साड़ियाँ, डिज़ाइन होते हैं फ्लावर वगैरह बने होते हैं उस पर, ये सब चीज़ें थोड़े डिटेल की चीज़ें हैं तो इनको कर देना चाहिए जब हमारे पास टाइम बचे। अगर हम कंपोजिशन कंप्लीट कर चुके होते हैं एक्स्ट्रा टाइम में तो हमें इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इससे हमारा कंपोजिशन बहुत सुंदर लगने लगता है। थोड़े डार्क टोन अपने गठरी पे भी बढ़ा देंगे। हल्का हल्का चिड़िया वगैरह बना देंगे बैकग्राउंड में। ये सब चीज़ें कंपोजिशन को सुंदर और अलग बनाती हैं, क्योंकि हमने उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, ये एग्ज़ामिनर समझेगा, क्योंकि हमने हर चीज़ों पे ध्यान दिया हुआ है कि जो चीज़ें वहाँ पे अब होनी चाहिए और होती हैं रियल में, हमारा वो ऑब्ज़र्वेशन बहुत दिखने लगता है कि हमने कितने अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और यही कंपोजिशन को थोड़ा आप इंटरेस्टिंग और अलग बनाती हैं। ऐसे और भी कंपोजिशन के वीडियो, स्टिल लाइफ, पेंसिल स्टिल लाइफ, वाटर कलर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और भी जो बेसिक बिगिनर जो हैं उनके लिए भी कई सारे मैंने वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ऊपर कार्ड पे मैंने अपने और भी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
किसी भी स्पेशल कंटेंट पे आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपका आंसर कर सकूँ। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस मुझसे पूछने हैं तो मैं आपको डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बना के उस कंटेंट को कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको उसकी जानकारी हो सके। और भी कई डिफरेंट मीडियम में मैंने काम अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमारा चाकोल और ड्राई पेस्टल वर्क भी है, आप उन्हें को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको उसके बेसिक्स और जो बिगनिंग स्किल स्टेज हैं उसमें कैसे उसको यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कलर को कैसे यूज़ करना है, टूल क्या होंगे हमारे, सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है, आप उन्हें वहाँ पर भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।